नमस्कार स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। फ्रेंड्स यहां पे मैंने वो ड्रॉ टेबल ड्रॉ करके रखा है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो टेबल है वो यहां पे है और ये जो लास्ट कॉलम है उसको यहां पे आपको फिल करना है। पहले ये क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। यहां पे सीरियल नंबर इक्वेशन वैल्यू एंड लास्ट से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो, मतलब आपको सिर्फ यहां पे यस और नो ही लिखना है। बट कब कि ये जो है इक्वेशन वो इक्वेशन इस वैल्यू से सेटिस्फाइड है कि नहीं, मतलब अगर आप यहां पे जो अननोन पार्ट है एक्स वहां पे ये वैल्यू रखो तो क्या ये इक्वल टू के बाद वाला आंसर आता है। अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो आपको x की जगह पे क्या रखना है 3। तो समझ लो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में आपने यहां पे x की जगह पे 3 रखा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 कितना होता है 6 होता है ना। क्या आंसर 0 आया? क्या आंसर 0 आया? नो, मतलब दिस इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड विथ गिवन वैल्यू। हम क्या लिखेंगे नो। क्लियर। सेकंड है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वही क्वेश्चन है वही इक्वेशन है लेकिन x की वैल्यू कितनी रखी है 0। तो समझो यहां पे x की जगह पे 0 रखो तो क्या होगा 0 प्लस 3। क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 यानी 3। क्या आंसर 0 आया? नो, मतलब इट्स ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। फिफ्थ थर्ड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन बट वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू -3। तो यहां पे अगर हम -3 रखें x की जगह पे तो -3 प्लस 3, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 3 में से 3 गया तो 0, 3 बड़े हैं माइनस से माइनस प्लस कुछ भी है, 0 के आगे कुछ ना रखे तो भी चलता है। क्या यहां पे 0 है? यस, दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं। मतलब क्या होगा फॉर दी गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू -3 इज सेटिस्फाइड मींस यस। क्लियर। नेक्स्ट है x -7 इज इक्वल टू 1, x की जगह पे क्या रखना है 7। समझो यहां पे रखें x की जगह पे 7 -7, 7 माइनस 7 कितने होते हैं 0। क्या 1 होता है? अगर आपने यहां पे x की जगह पे 7 रखा तो 7 माइनस 7 कितने होते हैं 0 होता है ना। यहां पे क्या दिया है हमको 1, मतलब गलत दिया है कि नहीं, मतलब नो। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 8, इक्वेशन क्या है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अभी यहां पे x की जगह पे क्या रखना है 8, 8 माइनस 7 1। क्या यहां पे आंसर में 1 है? यस, मींस इट्स सेटिस्फाइड। लिखे तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ये दोनों सेम हुए कि नहीं, मींस इट्स सेटिस्फाइड। क्लियर। नेक्स्ट है 5x इज इक्वल टू 25। फ्रेंड्स ये प्लस में थे, दूसरी साइड प्लस में है, ये माइनस में है। अभी यहां पे 5x इज इक्वल टू 25, x की जगह पे क्या रखना है 0। यहां पे x की जगह पे 0 रखो तो 5x यानी कि 5 इंटू x। 5x का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5 मल्टीप्लाई बाय x यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 0। क्यों? क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है अभी 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी 0। 5 जीरोस आर 0 बट हमको दिया क्या है 25 मीन्स नो। नेक्स्ट है 5x यानी x की जगह पर क्या रखना है 5x यानी क्या होगा 5 इंटू x ही होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई। अभी 5x की जगह पे 5 रखो, 5 5 सर 25। क्या ये 25 है? यस, दोनों सेम हुए कि नहीं, मींस इट्स सेटिस्फाइड। नेक्स्ट 5x इज इक्वल टू 25, वैल्यू क्या दी गई है -5, मतलब तो यही होगा 5x यानी 5 इंटू x, तो क्या होगा 5 इंटू x की जगह पे -5। मैंने यहां पे ब्रैकेट क्यों लगाया?
समझ लो, मैं यहां पे लिखता 5 × −5, तो दो साइन एक साथ आ जाती, दो साइन कभी भी साथ में नहीं होती, इसलिए इसको ब्रैकेट में। अभी नेगलेक्ट माइनस साइन को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 = 25। नेगेटिव कितने बार है? एक बार हो तो लिखो। क्या ये −25 है? नो, ये +25 है, ये −25 है, मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, m/3 = 2, x की जगह पे क्या रखना है? यहां पे x नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? m होगा, यहां पे भी m और यहां पे भी m। m की जगह पे क्या रखना है? −6, यहां पे रखो −6/2, −6/3। तो फ्रेंड्स, 6/3 यानी 2। माइनस कितने बार है? एक बार, तो लिखेंगे। अभी देखो, क्या ये −2 है? नो, आंसर क्या हुआ? नो। नेक्स्ट, m/3 = 2, m की जगह पे क्या रखना है? 0, तो यहां पे क्या रखेंगे? 0/3। 0 का किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही होता है, मतलब m/3 = 0। क्या ये 0 है? नो, मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। लास्ट, m/3 = 2 एंड वैल्यू ऑफ m = 6, मतलब 6/3 = 2। अभी देखो, क्या ये दोनों इक्वल है? यस, बोथ आर सेम, मीन्स सेटिस्फाइड। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जहां जहां पे भी x की वैल्यू या m की वैल्यू हमने रखी तो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हुआ, मतलब वैल्यू है वो सेम हुई। जैसे यहां पे और यहां पे, तो वो वैल्यू इसकी जो सेटिस्फाई हुई वो कंप्लीट इक्वेशन कहलाएंगे। क्लियर? तो आज यहां तक रखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नमस्कार।